उर्मिला माता जी उर्मिला माता जी या हाँ यस चैतन्य, स्टार्ट स्टार्ट द सेशन, आई एम एडमिटिंग द पेपर, ओके सो आफ्टर यू एडमिट आई विल स्टार्ट ना। या आई विल गिव यू द क्यू, या यू कैन स्टार्ट नाउ। हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेशन आई केयर ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। हमने अभी तक जो भी सेशंस किए हैं, पीपल हैव बीन टेलिंग यू ऑल अबाउट द स्प्रेड ऑफ द कोरोना, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द हाउ द इन्फेक्शन कैन हैपन थ्रू आई। वी हैव टुडे विद अस बोथ आर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हु वुड बी एनलाइटनिंग अस ऑन दिस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आई वुड फर्स्ट वेलकम डॉक्टर सपना किनी फॉर दिस सेशन विच इज आई केयर ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, एंड हर टॉपिक वुड बी टेकिंग अप, शी वुड बी टॉकिंग अबाउट आई केयर इन द वर्चुअल वर्ल्ड। सो ड्यू टू कोविड मेनी हैव जस्ट एक्सेप्टेड दिस द नॉर्मल विच इज मोर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी विच ऑल द पॉसिबल पॉसिबिलिटीज विल बी एक्सप्लोर्ड बाई डॉक्टर सपना किनी, एंड शी इज गोइंग टू गाइड अस अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट आईज। ओवर टू यू डॉक्टर सपना किनी, एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिफोर वी स्टार्ट। शी हैज डन हर डीएनबी ऑप्थेलमोलॉजी एंड फेलो कॉर्निया एंड रिफ्रेक्टिव सर्जरी फ्रॉम अरविंद आई हॉस्पिटल मदुराई। Her special interest is cornea, cataract, and refractive surgeries, and she's been working with us almost for a decade. Welcome, Dr. Sapna Kini. Over to you. Thank you. Thank you, Ms. Urmila. So, hello, good evening, everyone. Hope I am audible. Yeah, I'm Dr. Sapna Kini, a cataract and a cornea refractive surgeon working with Bhakti Vedant Hospital since 2011. And today we are here to discuss about eye care in the virtual world. So let's see our concerns and how to prevent them. I'll share my screen. Yeah. So as we all know, because more so because of this pandemic, we all are living in this digital world. हमारी दुनिया एक डिजिटल दुनिया हो गई है और हमारे आसपास कई सारे स्क्रीन्स हैं, जैसे हमारे मोबाइल स्क्रीन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और टेलीविजन स्क्रीन्स। सो बिकॉज हमारे आजू बाजू इतने सारे स्क्रीन्स हैं, तो हमें ये चिंता तो लगी रहती है कि कहीं हमारे आंखों पे इसका बुरा असर तो नहीं हो रहा है। और ये देखा गया है कि जो लोग कंप्यूटर पे स्क्रीन पे मोर देन 2 आवर्स काम करते हैं, तो उन्हें बहुत समय आंखों में थकावट, आंखों में स्ट्रेन महसूस हो सकता है, जिसे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा अगर आपको ये तकलीफ हो रही है, ये हम जानेंगे। अगर आपको ये सिम्टम्स है, जैसे सर दर्द होता है, मेनली कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करते वक्त ज्यादा सर दर्द होता है, दिखने में धुंधलापन होता है नजदीक के काम के लिए, या आंखों में किरकिराहट रहती है, आंखें लाल रहती हैं, आंखों में सूखापन रहता है या पानी आता है, या फिर आपको नेक में स्टिफनेस लगता है, शोल्डर बैक एक होता है, ये सब चीजें अगर आपको हो रही हैं, तो हो सकता है यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजिटल आई स्ट्रेन। तो ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट कैन बी डन, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप आपके आई डॉक्टर के पास जाएं और एक कंप्लीट आई चेकअप कराएं, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके आई डॉक्टर जो हैं, ना कि सिर्फ आपका आंखों का नंबर देखेंगे, बल्कि आपके आंखों के मसल्स का बैलेंस टेस्ट भी करते हैं, जिससे आंखों के मसल्स अगर थोड़े वीक हैं और उनके लिए कुछ इलाज की जरूरत है तो वो भी बताते हैं, क्योंकि कभी कभी इस वजह से भी स्ट्रेन बढ़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत छोटा सा नंबर होता है जो हमें अदरवाइज जरूरी नहीं लगता है पहनने के लिए, पर कंप्यूटर काम करते वक्त ऐसा हो सकता है कि वो नंबर ना पहनने की वजह से आपका स्ट्रेन बढ़ रहा हो, तो आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे अगर इस चीज की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार जाके आई स्पेशलिस्ट के पास कंप्लीट आई चेकअप कराएं।
और हम क्या कर सकते हैं छोटे मोटे जो चेंजेस हमारे वर्किंग एरिया में, जिससे हमारा आई स्ट्रेन कम हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा पोस्चर और हमारे मॉनिटर का पोजीशन। सो प्रेफरेबल है अगर आप एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठे, मेनली विद एन आर्मरेस्ट, ताकि आपके हाथों को भी उस पर सपोर्ट मिले, एंड यू शुड सिट इरेक्ट, सीधा बैठना चाहिए विद बैक रेस्ट, एंड नेक ऐसे आगे नहीं झुकनी चाहिए, स्लाउच नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है। और जो स्क्रीन है वो आपके आंखों से अराउंड 18 टू 28 इंचेस अवे रहना चाहिए, एंड एट उसका जो लेवल है आपके आई लेवल से मॉनिटर अराउंड 15 टू 20 डिग्रीज नीचे होना चाहिए। ये कंफर्टेबल पोजीशन है आईज के लिए। और हमें ध्यान देना चाहिए कि ग्लेयर जो हमारी स्क्रीन पर पड़ रहा है वो हम कम कर सके। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं उस रूम में अगर विंडोज है तो प्रेफरेबली विंडोज साइड में रहे, ना कि उसका लाइट डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पे पड़ रहा हो। कर्टन्स ड्रॉ कर सकते हैं, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ग्लासेस यूज कर सकते हैं, या हमारे स्क्रीन पे मैट स्क्रीन फिल्टर्स लगा सकते हैं। इन सब चीजों से ग्लेयर कम होता है। और आजकल हमारे डिवाइसेस काफी टच स्क्रीन वाले होते हैं, तो उससे हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट्स भी आते हैं उस पे, जिससे भी लाइट स्कैटर होके ग्लेयर बढ़ सकता है। तो स्क्रीन्स को क्लीन करना, हमारे ग्लासेस को रेगुलरली क्लीन करना, वो भी उतना ही जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि हमारे जो डिस्प्ले सेटिंग्स है उसके साथ भी हम थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हैं हमारा स्ट्रेन कम करने के लिए। तो हमें ब्राइटनेस जो है वो ऑप्टिमम रखना चाहिए, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से हमारे स्क्रीन का ब्राइटनेस होना चाहिए। बहुत ज्यादा ब्राइट भी नहीं होना चाहिए, जैसे अगर वाइट बैकग्राउंड है तो ऐसे एक लाइट फोकस के जैसे ब्राइट भी नहीं लगना चाहिए, या फिर एकदम डल ग्रे भी नहीं लगना चाहिए। सो इट शुड बी ऑप्टिमम। फिर फॉन्ट साइज जो है वो आपको पढ़ने के लिए एकदम कंफर्टेबल हो, ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रास्ट बराबर होना चाहिए, जो बैकग्राउंड है बहुत डार्क नहीं होना चाहिए। और कलर टेम्परेचर जो एक टेक्निकल टर्म है ये डिवाइसेस के लिए, इससे क्या होता है कि अगर आप कलर टेम्परेचर कम करते हैं तो जो लाइट एमिशंस है डिवाइसेस से और उसका जो ब्राइटनेस है वो कम होता है, तो ये रिड्यूस करना चाहिए। और हमारी जो लाइटिंग है रूम की वो प्रॉपर होनी चाहिए, एकदम ब्राइट लाइट्स नहीं होने चाहिए, एम्बियंट लाइटिंग होनी चाहिए, और लाइट का सोर्स ऐसा ना हो कि वो डायरेक्ट उसका रिफ्लेक्शन हमारे मॉनिटर पर पड़े, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एसी के सामने जब हम बैठते हैं ऐसे ना बैठें कि एसी की हवा डायरेक्टली हमारे आंखों पर गिरे, क्योंकि इससे सूखापन बढ़ता है। और छोटे एक्सरसाइज जैसे हमारे आईज को बीच में रिलैक्स करने की बहुत जरूरत है। एक सिंपल रूल है जिसे हम रूल ऑफ 20-20-20 कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हर 20 मिनट के आपके स्क्रीन टाइम के बाद आपको एक छोटा सा 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें आप दूर की चीजों को देखें अराउंड 20 फीट अवे। तो ये करने से क्या होता है, हमारे आई मसल्स रिलैक्स होते हैं। नॉर्मली जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारे आईज नियर के लिए फोकस कर करते हैं, आई मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है, स्पाज़म में जा सकते हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए ये ब्रेक जरूरी है। जस्ट 20 मिनट के बाद एक 20 सेकंड का ब्रेक लेके आपको दूर की चीज को देखना है, और इसमें आप ब्लिंक भी कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ब्लिंकिंग, यानी हमारी पलक झपकने की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मली एक मिनट में हम बिना हमारी जानकारी के इनवॉलंटरीली 16 टू 20 टाइम्स पलक झपकते हैं, पर जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं तब कंटिन्यूअसली स्टेयर करने की वजह से ये हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो आंसू का लेयर होता है आंखों पर वो इवेपोरेट होता है और आंखों में ड्राइनेस सूखापन होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमको वॉलंटरीली ब्लिंक करना है, बीच बीच में पलके झपकानी है। और कुछ छोटे टिप्स आप कर सकते हैं, जैसे ठंडी पट्टी रख सकते हैं आंखों पर, आंखों को बीच बीच में फेस वॉश कर सकते हैं क्लीन कोल्ड वाटर से। और इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपके आंखों में सूखापन हो रहा है, ड्राइनेस बढ़ रही है, तो फिर आप आपके डॉक्टर से संपर्क करें और वो आपको ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, ये ऐसे आई ड्रॉप्स होते हैं जिससे आपके आंखों को मॉइस्चराइज किया जाता है, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा टाइप ऑफ आई ड्रॉप्स सूटेबल है और कितने फ्रीक्वेंटली डालना चाहिए। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब हम काम करते हैं
तब हमारे आंखों को बीच बीच में रेस्ट की जरूरत है, रिलैक्सेशन की जरूरत है, ये आप ध्यान में रखें। इसलिए छोटा सा 5 मिनट्स ब्रेक भी आंखों के लिए रिफ्रेशिंग हो सकता है। इस छोटे से ब्रेक में आप एक चक्कर लगा के आ सकते हैं, या छोटे मोटे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या नेक रोटेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो इन सब चीजों से मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। प्लीज रिमेम्बर दैट टेकिंग दी शॉर्ट ब्रेक्स विल नॉट हैम्पर योर वर्क, बट इट विल इंक्रीज योर वर्क एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी इन रिटर्न। और सबसे जरूरी बात, हमें स्क्रीन अवॉइड तो नहीं कर सकते अभी, हमारा काम उस पे है, हमारा स्कूलिंग उस पे है, पर यस, एक्सेसिव यूज हम जरूर अवॉइड कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। जैसे हमारा काम और पढ़ाई के लिए जब हम स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो रिक्रिएशन के लिए जो यूज कर रहे हैं उस टाइम को लिमिट करें। जैसे अगर हम गेम्स खेलने के लिए, या फिर सोशल मीडिया पे, या फिर चैटिंग के लिए, या व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीजों के लिए जब हम यूज करते हैं, तो दैट वी शुड रिस्ट्रिक्ट, दैट इज अवॉइडेबल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि बेड टाइम पे स्क्रीन प्लीज बिल्कुल मत यूज कीजिए। ये एक कॉमन हैबिट है कि सोने के लिए जाते हैं और फिर लाइट्स ऑफ करके आप बेड पे मोबाइल पे मैसेजेस देखते हैं, चैट्स करते हैं। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, इट अफेक्ट्स आवर स्लीप साइकिल, इसका साइंटिफिक रीजन है। इसलिए सोने से 1-2 घंटा पहले द स्क्रीन्स आर बेस्ट अवॉइडेड। और बच्चों के लिए खास करके कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे हम अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के कुछ रिकमेंडेशंस फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से अगर बच्चे 1.5 साल से कम उम्र के हैं तो बेस्ट यू शुड अवॉइड द स्क्रीन्स एक्सेप्ट फॉर सोशल इंटरेक्शन, जैसे वीडियो चैटिंग या विद फैमिली या फ्रेंड्स के लिए। अगर 1.5 से 2 साल के बच्चे हैं तो उनमें भी बेस्ट अवॉइड किया जाए, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत एजुकेशनल राइम्स के लिए आप चला सकते हैं with parent supervision, and 2 to 5 years के बच्चों के लिए भी around an hour of time limit recommend किया गया है। उसमें भी बच्चों के हाथ में screen ना दे, parent should be around and you should see that it is being used for educational purposes। आपको देखना चाहिए आपके बच्चे क्या देख रहे हैं and whether it is helpful for them। 6 साल और उससे बड़े बच्चों के लिए भी एक अच्छा screen time, एक good screen habit इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। इसको आप एक स्क्रीन टाइम टेबल ऐसा बनाएं जैसे बच्चे का स्लीप या अदर एक्टिविटीज अफेक्ट ना हो। जैसे अगर बच्चे को टीवी भी देखना है, आईपैड भी खेलना है, तो आप ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि 2 सीरियल्स आप देख रहे हो तो आधा घंटा ही आपको ये मिलेगा, गेम्स के लिए मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि सोने के टाइम नहीं देना है, तो 1-1.5 घंटा सोने से पहले स्क्रीन नहीं देना है। बच्चों के फिजिकल एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज को हैम्पर नहीं होना चाहिए। बच्चा अगर वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट ले लेता है तो बाहर जाके खेलना नहीं चाहता है, दिस शुड नॉट हैपन, बिकॉज आउटडोर एक्टिविटीज आर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द आई ग्रोथ बट ऑल्सो फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट। हाँ, इस पैंडेमिक में ये सब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, बट जैसे ही लाइफ नॉर्मलाइज होने लगे वी शुड ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू दैट। एंड अभी आते हैं आई वेयर पे। क्या हमें कंप्यूटर पे स्पेशल ग्लासेस पहनने की जरूरत है? कि ये काफी लोगों के मन में ये सवाल होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप कराना है, जिससे आपके डॉक्टर देखेंगे कि आपको चश्मे का नंबर है क्या, आपको पहनने की जरूरत है क्या। तो अगर है तो आपको वो पर्याप्त नंबर का चश्मा पहनना चाहिए। और दूसरी बात कि अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज, जब हम 40 के आसपास हो जाते हैं, तब हमारे नजदीक के लिए फोकस करने वाले आई मसल्स सडनली वीक हो जाते हैं, जिसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। इस वजह से हमारे नजदीक के काम में हमको स्ट्रेन लगता है, कंप्यूटर पे काम करते वक्त आंखों में स्ट्रेन लगता है। तो एक बेसलाइन आई एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए इस टाइम पर, और फिर आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको चश्मे की जरूरत है या नहीं है, है तो कौन से टाइप के चश्मे चाहिए। जैसे कंप्यूटर ग्लासेस जो होते हैं, कंप्यूटर डिस्टेंस अलग होता है, नियर का अलग होता है, हमारा नजदीक का नंबर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि जब आप आई चेकअप के लिए जाएं तो आपका जो वर्किंग डिस्टेंस है ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस हिसाब से आपका कंप्यूटर नंबर बनेगा। और जिनको दूर का नजदीक का दोनों नंबर होता है, उनको प्रोग्रेसिव ग्लासेस दिए जाते हैं, जिसमें डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर तीनों ग्लासेस इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। जो कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं, दे कैन यूज एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ग्लासेस, दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्ट्रेन।
और अभी आते हैं ऐसे लोगों पर जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं. अभी कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि पूरा दिन आप कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनना चाहिए, इससे ड्राइनेस बढ़ती है. सो यू शुड गिव ब्रेक्स इन बिटवीन बाय वेयरिंग ग्लासेस. Sleeping with contact lenses is a strict no-no because it leads to serious infections in the eye, and you should follow proper hygiene while using lenses. और जिनका night time में भी professionally demanding work है screen पे, they can use blue blocking lenses as well. So now coming to the most common question which most of my friends and patients have, that is कि अभी ये स्क्रीन के वजह से मेरे बच्चों के आंखों पे कितना असर हो रहा है, मैं इसे कैसे ठीक करूं. नाउ दैट इज अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन नाउअडेज. तो बच्चों के आंखों पे क्या इफेक्ट होता है, जैसे बड़ों के आंखों पे होता है सिमिलर इफेक्ट्स बच्चों पे भी होता है. उनमें अलग स्पेशल इफेक्ट्स क्या है कि बच्चों का जो ग्रोइंग एज होता है, आईबॉल भी ग्रो होता है, नंबर्स चेंज होते हैं. तो ये नजदीक के लिए हम जब ज्यादा फोकस करते, ज्यादा गेम्स देखते, ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, तो इनका जो नजदीक का माइनस नंबर होता है जिसे हम मायोपिया कहते हैं, वो बढ़ने के चांसेस होते हैं. या ऑलरेडी उनको नंबर है तो ये फास्ट प्रोग्रेस होने के, जल्दी से बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आई स्ट्रेन बच्चों को भी होता है, दो बहुत बार कंप्लेन ना करें फिर भी आई स्ट्रेन उनको भी होता है. स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं अगर वो रात में स्क्रीन करते हैं यूज, तो ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करें. कुछ बच्चों में अटेंशन डेफिसिट, जनरलाइज्ड इरिटेबिलिटी, ऐसे कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी पाए गए हैं. सो हम ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो पोस्चर, पोजीशन ऑफ स्क्रीन, लाइटिंग, वो सब हमको सेम फॉलो करना है. और कुछ टिप्स बच्चों के लिए कि जैसे अभी स्कूलिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सो इट शुड बी ऑन अ बिगर स्क्रीन. Bigger the screen, better it is. जैसे अगर मोबाइल पे कर रहे हैं ऑनलाइन स्कूल, तो बेटर आप टैबलेट पे करें या लैपटॉप पे करें या टीवी स्क्रीन पे करें, दैट इज बेटर. एंड वी शुड रिस्ट्रिक्ट द स्क्रीन टाइम एज डिस्कस्ड, एंड ऑलवेज ऑलवेज मॉनिटर वॉट योर चाइल्ड इज सीइंग. देर आर मेनी एप्स इन विच द पेरेंट्स कैन मॉनिटर वॉट देयर चाइल्ड इज डूइंग. देर आर मेनी एप्स टू लॉक वॉट यू डोंट वॉन्ट योर चाइल्ड इज टू सी. सो प्लीज मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट. बिकॉज बच्चे जो गेम्स खेलते हैं उसका इफेक्ट उनके बिहेवियर पे भी देखा गया है. सो यू शुड ऑलवेज मॉनिटर व्हाट दे आर सीइंग. दे शुड नॉट मिसयूज द टेक्नोलॉजी. देन यू शुड एनकरेज द फिजिकल एक्टिविटीज, ये बहुत जरूरी है. आउटडोर गेम्स उनके लिए एनकरेज करें. एंड इंस्टेड ऑफ ई बुक्स यू कैन मोटिवेट देम टू रीड प्रिंटेड बुक्स. एंड अब आते हैं ऑनलाइन स्कूलिंग पे. बहुत पेरेंट्स को ये चिंता होती है कि ये ऑनलाइन स्कूल की वजह से मेरे बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी, पर मैं उनको ये दिलासा देना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है. वी शुड बी थैंकफुल टू द टीचर्स एंड फॉर ऑनलाइन स्कूलिंग. उससे हमारे बच्चों का साल बर्बाद होने से बच गया है. एंड लेट मी टेल यू, देयर इज अ डिफरेंस इन ऑनलाइन स्कूलिंग इंटरेक्शन ऑन द स्क्रीन एंड चिल्ड्रन प्लेइंग गेम्स ऑन द स्क्रीन. ऑनलाइन स्कूलिंग में टीचर सामने होती है, देयर इज अ सोशल इंटरेक्शन, फिर वो बच्चों को क्वेश्चंस पूछते हैं, बुक्स में कुछ लिखने लगाते हैं, स्लाइड्स चेंज करते हैं. सो चाइल्ड इज नॉट कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन द स्क्रीन. जब उसके बजाय जब वो गेम्स खेलते हैं तब कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे देखते हैं. दे डोंट इवन वॉन्ट टू मिस अ सेकेंड सो दैट दे मे नॉट लूज. सो देर इज अ ग्रेट डिफरेंस. एंड प्लस स्कूल्स हैव ऑल्सो इंश्योर्ड कि वो क्लासेस के बीच में ब्रेक्स देते हैं. सो डोंट वरी, इफ यू फॉलो ऑल द विजुअल हाइजीन, इट इज ओके फॉर योर चाइल्ड एंड दे आर सेफ टू गो. देन नाउ जस्ट अ वर्ड अबाउट द ब्लू लाइट. आजकल बहुत चर्चा है ब्लू लाइट के बारे में. शुड आई बी वरीड अबाउट दिस ब्लू लाइट? ये डिवाइसेस से जो ब्लू लाइट आ रही है, इज इट गोइंग टू ब्लाइंड मी? ऐसे बहुत लोगों के मन में शंका है. तो ये ब्लू लाइट क्या है? व्हाट इज दिस ब्लू लाइट? सो इट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइसेस से हम इससे एक्सपोज्ड हैं. सबसे मेन सोर्स तो ब्लू लाइट का सनरेज है. और हमारे डिवाइसेस के अलावा हमारे घर में जो एलईडी लैंप्स है, फ्लोरोसेंट बल्ब्स है, ये सबसे भी हम एक्सपोज होते हैं ब्लू लाइट को. तो इतनी चिंता क्यों है हमें? क्योंकि हम स्क्रीन पे ज्यादा देर रह रहे हैं, तो हमें लगता है कहीं ये डायरेक्टली हमारे आंखों को नुकसान न पहुंचा दे. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, साइंटिफिकली इट इज नॉट प्रूवन दैट इट्स डैमेजिंग योर आईज. यस, साइंटिफिकली द प्रूवन इल इफेक्ट इज एज द ब्लू लाइट कॉजेज मूड अलर्टनेस. तो आप रात में अगर स्क्रीन यूज करते हैं तो ये आपका स्लीप वेक साइकिल को
डिस्टर्ब करता है, ऐसे हार्मोन्स को सप्रेस करता है जिससे आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होता है और फिर नेक्स्ट डे आपको नींद नहीं आती, नेक्स्ट डे आपको थकावट रहती है. सो अगर आप नाइट टाइम पे स्क्रीन अवॉइड कर सके तो यू विल बी एबल टू बीट द इल इफेक्ट ऑफ दिस लाइट. एंड हाँ, अगर फिर भी आपको अगर कुछ मैसेजेस के लिए, कुछ काम के लिए यूज करना है तो आप नाइट मोड में यूज कर सकते हैं. दैट रिड्यूसेस द एमिशन प्लस रिड्यूसेस द स्क्रीन ब्राइटनेस एंड योर स्ट्रेन ऑन द आईज. अदर थिंग, एज आई टोल्ड यू दैट ब्लू ब्लॉकिंग लेंसेज कैन बी यूज्ड बाय पीपल हु हैव वर्क ऑन स्क्रीन इन द नाइट टाइम ऑल्सो प्रोफेशनली. बच्चों के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं बच्चों को ब्लू ब्लॉकिंग लेंसेस वाले चश्मे पहना दूं देन वी आर सेफ एंड दे कैन यूज द स्क्रीन. इट्स नॉट लाइक दैट. यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग बाय जस्ट गिविंग देम द एक्सपेंसिव ब्लू ब्लॉकिंग लेंसेस. बेटर देन दैट, इनकलकेट द हैबिट ऑफ अवॉइडिंग स्क्रीन इन द नाइट टाइम एंड दैट इज बेस्ट देन स्पेंडिंग ऑन द ब्लू ब्लॉकिंग लेंसेस. सो इन द नटशेल, वी सॉ दैट वी कैन अवॉइड स्ट्रेन बाय रेगुलर आई चेकअप्स, आई एक्सरसाइजेस, proper lighting, reducing the glare, proper font size and frequent blinking and proper eyewear. And yes, remember the 20-20-20 rule. After every 20 minutes, take a break for 20 seconds, look 20 feet away and relax your eyes. So digital devices are not evil if you use it properly. So first step to avoid the strain is to be aware about it. And once you're aware, please seek the help of your ophthalmologist and simple modifications can make your life easy. Jo humne suna hai, prevention is better than cure. This is very true for this preventable condition. I hope I have answered most of your queries. And if you follow these tips, I wish that you will have happy and healthy eyes. Thank you very much. Yeah, Dr. Sapna, that was quite an enlightening session. I think people will follow the useful tips that you have shared with us. In fact, even I'm going to start following some tips which I was a little lazy about those things. Now I welcome Dr. Suraj Bagde to start his session on prescriptions and care of eyeglasses. Dr. Sapna ne to topic cover kar diya, how to take care of your eyes and how to have healthy eyes. But God forbid, like if we still are in that category, like of course after 40 we do have this reading glasses and all that. But because of the digital exposure, if we are having eye issues, then there is Dr. Sapna. And of course now we have Dr. Suraj Bagde to guide us on how to go about the prescriptions and care of eyeglasses. He's going to guide us about how to choose your frames, when to use contact lenses and all of that. Dr. Suraj Bagde has done his DNB in ophthalmology. He has specialized in pediatric ophthalmology and squint from Sadhguru Netra Chikitsalaya Chitrakoot. He takes care of eye disease in children, squint at all ages, cataract, glaucoma and anterior segment microsurgeries in adults and children. He's working with Bhaktivedanta Hospital since last 9 years. I now welcome Dr. Suraj Bagde to start his session. Over to you, sir. Good evening, everyone. Thank you, ma'am, for that introduction. And thank you, Dr. Sapna, also for making a very spectacular start to the show tonight. So please allow me to share my screen. So the topic is prescription and care of eyeglasses. तो जैसा हम जानते हैं कि चश्मा ये बहुत ही कॉमन मेथोडोलॉजी है रिफ्रैक्टिव एरर्स और कई प्रकार के जो विजन डिसऑर्डर्स है उसको करेक्ट करने के लिए. और अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो लगभग 28 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको स्पेक्टेकल करेक्शन की या विजन करेक्शन की ज़रूरत है, पर हार्डली केवल 25% लोग ही स्पेक्टेकल्स पहनते हैं. कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं स्पेक्टेकल्स के अगर आप चश्मा नहीं पहनना चाहते और अगर आपकी कंडीशन आंखों की अनुकूल है तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेस पहन सकते हैं. दीज आर अल्टरनेटिव्स टू स्पेक्टेकल्स. और कुछ लोग जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि चश्मा ना पहने, उनके अपने रीजंस होते हैं, शायद कॉस्मेटिक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो वो लोग लेसिक कराते हैं या लेज़र विजन करेक्शन कराते हैं.
और फिर एडल्ट्स में चश्मे से छुटकारा पाने के लिए लेंस या इंट्राक्यूलर लेंस बेस्ड सर्जरीज होती हैं, जो कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के समान ही होती है, और उसमें जो लेंसेज डलती हैं वो चश्मे से ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द टाइम्स छुटकारा दिला सकती हैं, जिसमें दूर के लिए भी देखा जा सकता है क्लियरली और नज़दीक की भी चीज़ें क्लियरली देखी जा सकती हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि चश्मा ज़रूरी क्यों है। तो इसका बहुत ही सिंपल और साधारण उत्तर ये है कि इफ़ वी वॉन्ट टू सी बेटर एंड सी क्लियरर, अगर हमें देखना है साफ साफ तो चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि अलग अलग टाइप के दृष्टि दोष होते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स, और ये रिफ्रैक्टिव एरर्स माइनस लेंसेज, प्लस लेंसेज, सिलेंड्रिकल लेंसेज, इनसे करेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अस्टिगमेटिज्म, ये रिस्पेक्टिवली इन नामों से जाना जाता है जिनके लिए ये लेंसेज लगती हैं। तो अगर विजन क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि जो इमेज है रेटिना पर वो क्लियर नहीं बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में रेटिना पर क्लियर फोकस देने के लिए हमें स्पेक्टाकल लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडली, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर आईज, ऐसे बहुत से प्रोफेशंस हैं या बहुत से स्पोर्ट्स हैं जिसमें हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल्स रहती हैं, जैसे स्क्वैश का गेम है, या फिर कुछ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि वेल्डर्स हैं वो, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे कंडीशंस में आँखों की सुरक्षा के लिए हमें चश्मे की ज़रूरत होती है। उसमें जो लेंसेज यूज होती हैं वो टफंड ग्लास की रहती हैं, हार्डेंड ग्लास, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज, प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द आईज। बहुत से ऐसे तरह के तिरछेपन होते हैं जो कि चश्मे पर निर्भर करते हैं, चश्मे की वजह से आते हैं। अगर एक मीडियम रेंज का प्लस का नंबर हो बच्चों में और वो नंबर न दिया जाए, तो स्ट्रेन पड़ने की वजह से और एक्सेसिव फोकस करने की वजह से बच्चों में अंदर की तरफ का तिरछापन हो जाता है। उसी तरह से अगर हाई माइनस के नंबर्स हों बच्चों में या एडल्ट्स में, तो उनमें भी बाहर की तरफ का तिरछापन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आईज का अलाइनमेंट सही करना हो तो फिर चश्मे की सहायता मिलती है। अबाउट 40% ऑफ चिल्ड्रन विद इनवर्ड टर्निंग ऑफ आईज, दे विल रिस्पॉन्ड टू ग्लासेस, और उनका चश्मा, सिर्फ चश्मा पहनने भर से उनको उनकी आंखें सीधी दिखने लगती हैं। बच्चों में ही प्रॉपर विजन डेवलपमेंट के लिए चश्मा बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो हमारे आंखों में इमेज बनती है वो ब्रेन तक रिले होती है, और ब्रेन में फिर विजन डेवलपमेंट होता है। अगर इमेज धुंधली बन रही है और ब्रेन तक क्लियर इमेज नहीं पहुंच रही है, तो विजन डेवलपमेंट पूरा 100% तक नहीं होता, और वो कहीं जा करके रुक जाता है 70-80-90% पर, जिसको हम टेक्निकली अम्ब्लायोपिया कहते हैं या लेजी आइज कहते हैं। तो अगर इसका रोकथाम करना हो, हमें प्रॉपर विजन का डेवलपमेंट चाहिए हो, तो उसके लिए चश्मा बेहद ज़रूरी है। इसी तरह से डॉक्टर सपना ने बताया हमें कि 40 इयर्स के एज के बाद में हमारा जो अकोमोडेशन पावर है वो अचानक से वीक हो जाता है। तो ये फोकसिंग पावर, नज़दीक की चीज़ें जहाँ से डाइवर्जेंट रेज आ रही हैं, उनको प्रॉपरली फोकस करने के लिए हमें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिसमें अकोमोडेशन शुरुआत से ही वीक होता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी चश्मे से हमको साफ दिखाई दे सकता है। और आजकल के युग में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फैशन के तौर पर भी बहुत से लोग चश्मा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों पर चश्मा सूट होता है। तो आइए हम समझते हैं कि ये चश्मे का जो प्रोसेस है उसको, सिलेक्शन और फ्रेम्स के बारे में और ग्लासेस के बारे में और उसके केयर के बारे में हम समझें। तो इस स्टेज पर हमने ये, लेट अस कंसिडर दिस दैट यू ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्रिप्शन इन योर हैंड। तो डॉक्टर ने ठीक प्रकार से विचार करके ये आपको तय कर लिया है कि आपको चश्मा पहनना ज़रूरी है, और आपके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है, आइए वो डिस्कस करते हैं। तो आप समझ लीजिए सबसे पहले कि स्पेक्टेकल फ्रेम जो हमारा चश्मा है उसके अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। तो आई कैन यूज़ माई ओन ग्लासेस, ये जो पार्ट है इसको फ्रंट कहते हैं चश्मे का, और इसमें ये लेंस का वायर होती है नीचे की तरफ, लेंस का फ्रेम होता है, और ये बीच का जो हिस्सा है इसे ब्रिज कहते हैं, और चश्मे की जो डंडियाँ होती है उसको टेम्पल्स कहते हैं, और ये टेम्पल्स का जो सिरा होता है उसको टेम्पल टिप्स कहा जाता है। ये नोज पैड्स होते हैं, और यहाँ पर स्क्रू और इसका हिंजेस और ये सारी असेंबली होती है। अगर आप लेंस कार्ट पे या ऑनलाइन कहीं पर चश्मा ऑर्डर कर रहे हो तो हमेशा उसकी साइजेस मेंशन की जाती है, 54, 20, 140 एग्जांपल यहाँ पर लिया है, जिसमें 54 इज थिकनेस ऑफ दिस लेंस का पार्ट,
20 is the distance of the nasal bridge, यहाँ पर ब्रिज का विड्थ, और 140 है वो आपके डंडी की लेंथ है, ये सब मिलीमीटर्स में होता है। तो आपको प्रॉपर साइज और सिलेक्ट करना है, और ये भी आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी फ्रेम सूट करेगी। यूजुअली हम हमारे साथ में किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को लेकर जाते हैं, या फिर ऑप्टिशियन को ही पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस भी होती है आपके फेस टाइप के अनुसार कि आपके फेस पर कौन सी फ्रेम, किस शेप की फ्रेम सूट करेगी। तो अगर आपका राउंड फेस है तो इसमें आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर आई ग्लासेस को चूज करिए। अगर आपका स्क्वायर टाइप का फेस है तो इसमें ऑलरेडी स्क्वायर चीजें नहीं ऐड की जाती, तो उसको बैलेंस करने के लिए ओवल या राउंड आई ग्लासेस को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपका ओवल फेस है तो फिर उसके लिए ऐसी कोई फ्रेम्स सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि थोड़ी सी चौड़ी हो और उसमें आपको बैलेंस आ जाए। तो इसके लिए कैट आई फ्रेम्स, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप की फ्रेम्स का सजेशन मिलता है। अगर हार्ट शेप का फेस है जिसमें फोरहेड इज द वाइडेस्ट पार्ट और फिर नीचे धीरे धीरे टेपर डाउन होता है, तो उसमें ओवल या वेफेयरर ग्लासेस, जो एविएशन वाले लोग पहनते हैं, पायलट्स जो पहनते हैं, उस टाइप के जो शेप वाले ग्लासेस हैं जो आप राइट साइड की फिगर में देख सकते हैं, वो सजेस्ट किए जाते हैं। अगर ट्रायंगुलर पार्ट, ट्रायंगुलर फेस टाइप है जिसमें ये जॉ बोन्स आर द वाइडेस्ट और धीरे धीरे ऊपर जाते हुए चेहरा थोड़ा सा टेपर होता है, तो ऐसे में कैट आई या ओवल टाइप की जो फ्रेम्स है वो सजेस्ट की जाती है। तो फ्रेम्स का शेप और डिज़ाइन सिलेक्ट करने के बाद में अभी समझते हैं कि और क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिसके आधार पर हमें फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसी फ्रेम सिलेक्ट करें जो आप पर अच्छी लगे, जिसमें आप सुंदर लगो और जो पहनने की आपको इच्छा हो, ताकि अगर डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको ये चश्मा पूरा टाइम पहनना है तो आपको उसको पहनने की इच्छा भी होनी चाहिए। फ्रेम का फिटिंग भी आपको चेक करना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। अगर बहुत टाइट हो तो यहाँ किनारे में टेम्पल्स में वो टाइट होने लगता है और थोड़ी देर में हमें वहाँ पर लोकल पेन या हेडेक शुरू हो जाता है। बहुत अगर लूज फ्रेम होगी तो आप नीचे देखेंगे तो फ्रेम नीचे खिसक जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपको बार बार उसको ऊपर करना पड़ेगा और कंफर्ट नहीं रहेगा। तो बहुत लूज या बहुत टाइट फ्रेम नहीं सिलेक्ट करना है। ये जो टेम्पल्स है ये भी बहुत लंबे नहीं जाने चाहिए, कान के पीछे से ये तुरंत मुड़ जाने चाहिए। अगर बहुत लंबे होते हैं तो वो लूजनेस का कारण देते हैं। बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए फ्रेम, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए जो आपके चेहरे पर सूट करे, और न केवल आपके चेहरे पर बल्कि आपके लाइफस्टाइल को भी सूट करें। अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपको चश्मा पहनकर आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस पर जाना है तो आपके प्रोफेशन को, आपके लाइफस्टाइल को वो सूट करना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो इस तरह की फ्रेम ना सिलेक्ट करें जो थोड़ी फैंसी लगे और जिनको जिसको देखकर बच्चे खिल्ली उड़ाएं, या अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं या बैंक में काम कर रहे हैं, तो सर रिस्पेक्टेबल आपकी पर्सनैलिटी को सूट करें, इस तरह का फ्रेम आप सिलेक्ट करें। और अगर आप यंगस्टर हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो फिर आप थोड़े से फैंसी, थोड़े से फंकी फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रेम्स के मटेरियल क्या होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मेटल की फ्रेम ली जाए या प्लास्टिक की फ्रेम ली जाए, या फिर रिमलेस ली जाए जिसमें मेटल या प्लास्टिक नहीं है। और ऐसे कुछ कंबाइंड हाइब्रिड फ्रेम्स भी होती हैं जिसमें मेटल प्लास्टिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो रिमलेस फ्रेम्स ये समझना आसान है, इसमें ये टोटल ये बाउंड्री नहीं रहती, रिम्स नहीं रहते, पर वो हार्डन टाइप के लेंसेस को ही यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे पॉलीकार्बोनेट के लेंसेस हो या स्पेसिफिक ट्राइवेक्स वाले लेंसेस हो, वही उस टाइप के रिमलेस फ्रेम्स को सूट करती है और उसमें फिट की जा सकती है। बाकी किसी भी टाइप का लेंस हो वो मेटालिक या प्लास्टिक के फ्रेम्स में आ सकता है, फिट किया जा सकता है। तो मेटल के टाइप्स है टाइटेनियम, मोनेल, बेरिलियम, स्टेनलेस स्टील, फ्लेक्सॉन, एल्यूमिनियम। इसको मैं बहुत टेक्निकल नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए इस प्रेजेंटेशन में ये सारे डिटेल्स नहीं डिस्कस करूँगा। प्लास्टिक की जो फ्रेम्स है वो कॉमनली सेलुलोज एसिटेट और उसके अलग अलग पॉलीमर्स, प्रोपियोनेट वगैरह इस तरह के हो, इनसे बनती हैं। ब्लेंडेड नायलॉन, ऑप्टाइल और कार्बन फाइबर भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो बेसिकली दो बातें कहना चाहता हूँ इसके लिए कि आप कौन से टाइप का फ्रेम सिलेक्ट करें। बेसिकली आपको मेटल सिलेक्ट करना है या प्लास्टिक सिलेक्ट करना है,
बच्चों के लिए ये रिकमेंडेशन है कि यूजुअली वो प्लास्टिक का फ्रेम पहने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो स्टर्डी तो होते ही हैं पर वो डेंजरस नहीं होते, थोड़े सेफ होते हैं। अगर मेटल का कोई पार्ट अगर टूट जाए और उनके चेहरे को या आँख के आजू बाजू में इंजुरी हो जाए तो मुश्किल होता है। पर अगर आपको लाइटर टाइटेनियम वगैरह टाइप की फ्रेम्स सिलेक्ट करना हो तो वो मेटल की ही आती हैं। उसमें जो नोज पैड होता है ये काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि उससे आप ये चश्मा आपकी नाक पर किस हाइट पर बैठ रहा है वो एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये एडजस्टेबल नोज पैड्स आपको मेटालिक फ्रेम्स में मिलते हैं, जबकि प्लास्टिक फ्रेम्स में आपको ये एडजस्टमेंट नहीं करते बनता। तो आपको सिलेक्शन के समय बहुत प्रॉपर डिस्क्रिशन अडॉप्ट करना चाहिए। आइए लेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लास लेंस या प्लास्टिक लेंस, बहुत बार पेशेंट्स ये पूछ कर जाते हैं हमें कि डॉक्टर साहब मैं ग्लास में बनवाऊँ या फिर फाइबर या प्लास्टिक में बनवाऊँ। हम लोग यूजुअली प्लास्टिक या फाइबर ही रिकमेंड करते हैं आजकल, पर ग्लासेस के भी आपको कुछ क्वालिटी समझ लेना ज़रूरी है कि अगर आप बेस्ट ऑप्टिकल क्वालिटी चाहते हो प्लास्टिक या फाइबर से बेटर, तो वो ग्लास में मिलती है। और ग्लासेस क्रैच रेजिस्टेंट भी रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। और इसमें केवल डिफ़िकल्टीज़ ये है कि ये ब्रेकेबल है, अगर नीचे गिर जाए और किसी हार्ड सरफेस को हिट करें तो ये टूट सकते हैं, और साथ ही वो हैवियर होते हैं और लगभग प्लास्टिक फ्रेम से, प्लास्टिक लेंसेस से लगभग दो गुना उनका वजन ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड द प्लास्टिक फ्रेम लेंसेस आर लाइटर, फ्लेक्सिबल, सेफर। बहुत सी लेंसेस का मटेरियल ऐसा होता है जिसमें इनहेरेंट यूवी ब्लॉकिंग कैपेसिटी होती है। इसके कॉमन एग्जाम्पल से CR39 जो पहले बहुत चलता था, अभी भी चलता है, और पॉलीकार्बोनेट ट्राइवेक्स, ये एक नए उसके पॉलीमर्स है। पॉलीकार्बोनेट लेंसेस ये टफंड ग्लास की होती है, जो कि सेफ्टी गॉगल्स में, इंडस्ट्रीज में, या फिर बच्चों में, या फिर हम वन आइड पेशेंट्स में भी रिकमेंड करते हैं जो स्पोर्ट्स में एक्टिव है उन लोगों के लिए। हाई इंडेक्स लेंसेस का फायदा ये होता है कि ये लगभग मिनिमम 20% थिनर होती है। अगर आपका पावर, प्रिस्क्रिप्शन पावर माइनस का हो या प्लस का हो, वो अगर ज़्यादा है 4, 5, 3, 3.5 या उससे ज़्यादा, तो ऐसे कंडीशन में हाई इंडेक्स लेंसेस आपको पतले साइज में मिल जाएगी और इससे थोड़ा उसका वैल्यू अच्छा रहेगा। इट्स अ गुड वैल्यू एडिशन एंड इट इज़ गुड कॉस्मेटिकली ऑल्सो। ये 20% से लेकर के 50% तक लेंस का थिकनेस कम कर सकती हैं। अस्फेरिक लेंसेज हैव गॉट डिफरेंट कर्वेचर्स और उसकी वजह से भी थिकनेस भी कम होता है, लार्जर पार्ट ऑफ द लेंस बिकम्स यूजेबल, क्योंकि उसमें के जो स्फेरिकल एबरेशंस है वो नहीं होते हैं और आपका फील्ड ऑफ व्यू इसमें अच्छा मिलता है। पोलराइज लेंसेज ये थोड़ी सी टिंटेड होती हैं और दीज आर स्पेसिफिकली यूज इन स्नोई एरियाज या फिर वाटर स्पोर्ट्स में, जिसमें कि अल्ट्रावायलेट रेज जो रिफ्लेक्ट होते हैं वाटर सरफेस से या स्नोई एरियाज में स्नो से, उनसे बचा जा सकता है। जिस किसी को ग्लेयर का प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो ग्लेयर के प्रॉब्लम को भी सरकमवेंट करने के लिए पोलराइज लेंसेस यूज़ की जाती हैं। तो ये लेंसेस का टाइप क्या होना चाहिए, फोकैलिटी, ये आपके प्रिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, आपकी एज पर डिपेंड करता है। जैसे कि डॉक्टर सपना ने बताया, अगर आप 40 ईयर से ज़्यादा हैं तो उसमें बाईफोकल या मल्टीफोकल इस तरह की लेंसेस लगती हैं। आइए एक एक डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल विजन या मोनोफोकल लेंसेस, मतलब इसमें एक ही नंबर डला है जो यूजुअली दूर के लिए सेट करते हैं, जिससे आपको दूर की सारी चीज़ें क्लियर दिखती हैं। बायफोकल में एक सेगमेंट जो ऊपर का होता है वो दूर के लिए होता है और नीचे का सेगमेंट ये नज़दीक के लिए होता है। इसमें क्रिप्टॉक और डी बायफोकल्स, ये दो टाइप मिलते हैं, जिसमें से डी बायफोकल्स टेक्निकली थोड़े बेटर होते हैं। कुछ प्रोफेशंस में डबल बायफोकल्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जिसमें नीचे एक सेगमेंट होता है बायफोकल का और ऊपर भी एक सेगमेंट होता है बायफोकल का। ये डबल बायफोकल सेगमेंट में ऊपर वाला सेगमेंट यूजफुल होता है उन इलेक्ट्रिशियंस के लिए या पेंटर्स के लिए जो कि ऊपर देखते हुए अपना प्रोफेशन में काम करते हैं। तो ऊपर के डिस्टेंस में, इंटरमीडिएट डिस्टेंस में अगर उनको क्लैरिटी चाहिए हो तो एक सेगमेंट ऊपर भी लगा रहता है। ट्राईफोकल में वो नीचे के नियर सेगमेंट और ऊपर के डिस्टेंस सेगमेंट के बीच में एक मिडल सेगमेंट होता है जो कि इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए। इस तरह से जो भी आजकल की पॉपुलर लेंसेस हैं और जो कि हम रिकमेंड भी करते हैं 40 ईयर से आगे वाले पेशेंट्स के लिए, वो होती हैं प्रोग्रेसिव लेंसेस, जिनको वेरीफोकल लेंसेस भी कहा जाता है। ये कॉस्मेटिकली सुपीरियर होती हैं क्योंकि इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है लेंसेस के बीच में, तो देखने में एक सिंगल लेंस दिखाई देती है पर फंक्शन करते समय
आप दूर का भी क्लियरली देख सकते हैं, इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी क्लियरली देख सकते हैं, और नज़दीक का अगर आपने हाथ में कोई चीज़ पकड़ी है तो वो भी क्लियर देख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कंडीशंस में टोरिक लेंसेज यूज़ करते हैं, जिसमें टोरॉइडल लेंस यूज़ की जाती हैं, और जिनमें थोड़ा सा तिरछापन हो ऐसे पेशेंट्स को प्रिज्म वाली लेंसेज प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो ये हो गया डिस्कशन फोकैलिटी के बेसिस पर। कोटिंग्स के बारे में भी काफ़ी डिस्कशंस होते हैं, पेशेंट्स पूछते हैं हमको आकर कि क्या एंटी ग्लेयर कोटिंग लगाऊं, क्या हार्ड कोट होना चाहिए, या फिर ऐसी सारी बातें। तो आइए ब्रीफ में वो भी समझ लेते हैं। हार्ड कोटिंग या स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग अभी एक नेसेसरी एलिमेंट बन गया है सारी लेंसेज के लिए, और इनफैक्ट बहुत सी लेंसेज ऑलरेडी हार्ड कोट के साथ में ही मैन्युफैक्चर होकर के अवेलेबल होती हैं। एंटी ग्लेयर कोटिंग के बारे में डॉक्टर सपना ने बताया अपने टॉक में कि उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ करते वक्त भी, और एंटी ग्लेयर कोटिंग में की वजह से ज़्यादा लाइट ट्रांसमिशन बढ़ता है, तो उस लेंस में से ज़्यादा लाइट अंदर जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति को अगर वो आपकी तरफ देख रहा है आपकी आंखों में, तो आजू बाजू के खिड़कियाँ या फिर वो लाइट सोर्सेस की के जो रिफ्लेक्शंस पड़ रहे हैं आपके चश्मे पर, वो चीज़ें नहीं दिखाई देती, और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है लेंस की, तो सी थ्रू लेंसेस होती है ये, और ये कॉस्मेटिकली भी अच्छी दिखती है, फंक्शनली भी अच्छी दिखती है। साथ ही साथ ये एंटी ग्लेयर कोटिंग लेंस के बैक सरफेस पर भी मिलती है, जिसकी वजह से पीछे से अगर कोई खिड़की है या फिर लाइट सोर्सेस है उनकी घोस्ट शेडोज आपको नहीं दिखती, तो जब आप इस किनारे उस किनारे देखते हैं तो आपको ये घोस्ट शेडोज का प्रॉब्लम नहीं आता और आपकी विजन क्लियर रहती है। ब्लू कट लेंसेज के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल चुका है डॉक्टर सपना के टॉक में। बहुत सी ऐसी लेंसेज जो फाइबर वाली होती है उनमें ऑलरेडी अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन बिल्ट इन होता है। एंटी फॉग भी लेंसेस मिलती है उस तरह की कोटिंग, जिससे कि आप अगर अचानक एसी में से बाहर निकले या बाहर से आप एसी में आए तो फिर फॉगिंग नहीं होगी आपके लेंसेस को। और टिंटेड लेंसेस स्पेसिफिक कलर देती हैं लेंसेस को, येलो टिंट्स या लाइट पिंक टिंट्स। कुछ लोग कॉस्मेटिक पर्पस की वजह से वो प्रेफर करते हैं, पर इसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है टिंटेड लेंसेस यूज़ करने का। जैसे येलो टिंट लेंस अगर यूज़ की जाती है तो उससे कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी बढ़ती है। जो शूटिंग के स्पोर्ट्स में होते हैं शूटर्स, वो लोग यूजुअली येलो टिंटेड लेंसेस पसंद करते हैं। फोटोक्रोमिक पे कोटिंग रहती है जिसको हम डे नाइट ग्लासेस कहते हैं, ये बाहर जाने पर ये काली पड़ जाती है, जो कि काम करती है आपको शेड्स का या आपको धूप से बचाने का, और वापस इंडोर्स आने के बाद में ये फिर से नॉर्मल कलर की हो जाती है, तो ये गॉगल्स का काम कर सकती हैं। मिरर कोटिंग आपको मिलेगी जब आप देखते हैं क्रिकेट की मैचेस, उसमें आप देखते हैं धोनी पर या फिर विराट कोहली पर वो गॉगल्स पहनते हैं जिसमें उनकी आंखें ब्लू दिखती है, या फिर कभी गोल्डन या फिर सिल्वर, उस कलर की कोटिंग्स होती है। तो ये मिरर कोट्स हैं जिसमें आपको एक्चुअली अंदर का नहीं दिखता और वो फैशन के तौर पर पहनी जाती है। तो अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल गया है, आपने चश्मा बना लिया है, तो आपको डॉक्टर या ऑप्टोमेट्रिस्ट ये भी बताएंगे कि आपको कब कब पहनना है। तो बेसिकली जो प्रिस्क्रिप्शन के साथ में आपको इंस्ट्रक्शन मिला है डॉक्टर की तरफ से, उसको फॉलो करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि ये चश्मा आपको पूरा टाइम पहनना है, खास तौर पर अगर सिंगल विजन ग्लासेस हो तब। पर अगर बाइफोकल्स वगैरह हैं जिसमें आपको दूर का नंबर नहीं है, केवल नज़दीक का रीडिंग ग्लासेस की ज़रूरत है, तो इसका आप इंटरमिटेंट यूज़ करेंगे केवल रीडिंग के दौरान। कुछ तरह के नंबर ऐसे होते हैं सिलेंडर्स जो कि चेंज नहीं होते यूजुअली, सालों साल तक वही रहते हैं सिंगल विजन ग्लासेस में, और ऐसे में अगर सिलेंडर्स का अमाउंट कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको हेडेक का प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तब आप ऑप्शनल यूज़ के लिए इंटरमिटेंट वेयर कर सकते हैं। जब जब आपको दूर की चीज़ें बहुत क्लियरली देखना हो, जैसे आप हॉल में बैठे हैं कोई प्रेजेंटेशन है, या आप सिनेमा घर में गए हैं आपको देखना है क्लियरली कि स्क्रीन क्या मूवी चल रही है, या आपको दूर से टीवी क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो ऐसे समय में इंटरमिटेंट यूज़ किया जा सकता है। बट मैक्सिमम आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ में यही एडवाइस मिलेगी कि इसका कॉन्स्टेंट यूज़ करना चाहिए। जब नया चश्मा बनता है तो उसको अडेप्ट करने के लिए थोड़ा कुछ दिनों का समय लग सकता है। मुझे याद है जब मैं बढ़ रहा था, मतलब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड माय प्रिस्क्रिप्शंस वुड चेंज एंड एवरी टाइम आई वुड गेट अ न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता था, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी बारीक लगती थी, क्योंकि नंबर बढ़ गया होता था, मिनिफिकेशन होता था उस लेंसेज से, और ऐसा लगता था कि ज़मीन से मैं बहुत ऊपर उड़ गया हूँ। तो ये इफ़ेक्ट कुछ दिनों तक रहता है और बाद में धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है।
पर अगर कुछ दिन बीत गए हैं फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं हो लेंसेज के साथ में, तो देन यू शुड रिपोर्ट बैक टू द ऑप्टोमेट्रिस्ट, टू द ऑप्टिशियन, या फिर डॉक्टर के पास में जहाँ से आपको चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन मिला है, जहाँ से आपने चश्मा बनवाया है, और वो बनाने में कोई त्रुटि रह गई है या उसके लेंसेज के सेंट्रेशन में कोई त्रुटि रह गई है, ये चेक करवाना ज़रूरी होता है। अभी अगर आप और एक स्टेज आगे चलते हैं, अभी आपके पास चश्मा आ गया है, आप सेट भी हो गए हो, तो उसका केयर कैसे लिया जाए? तो इट इज एडवाइज दैट ऑलवेज रिंस योर ग्लासेस ऑफ विथ वाटर बिफोर वाइपिंग और क्लीनिंग देम। तो एक बार चश्मे को दिन का एक अभिषेक सादे पानी के साथ में करा देना चाहिए। तो जब आप स्नान करते हैं तो उस समय चश्मा भी एक स्नान ले सकता है, और उसको अगर पानी में से डुबो कर आप निकाल देंगे तो उतना भी काफ़ी है, या कुनकुने पानी में के या फिर टैप वाटर में अगर आप उसको एक बार आगे पीछे से रिंस कर लेते हैं तो उतना भी काफ़ी है। इसमें गर्म पानी नहीं यूज़ करना चाहिए, या सोप वगैरह इस तरह के अमोनिया वाले सॉल्यूशंस नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लेंसेज पर की कोटिंग निकल सकती है। तो दिन में एक बार कम से कम आप चश्मे को धो लीजिए। अगर आप कोई स्पेशल स्प्रेस क्लींजर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो जो चश्मे के लिए बने होते हैं केवल वही यूज़ करना चाहिए। बेस्ट है कि आप चश्मे को एयर ड्राई होने दीजिए, मतलब सूख जाने दीजिए, उसके बाद में जो चश्मे के साथ में आपको कपड़ा मिला है केवल उसी कपड़े से आपने चश्मा पोंछना चाहिए। अगर आप कोई और कपड़ा यूज़ करते हैं, जैसे आपने शर्ट यूज़ किया, बनियान यूज़ किया, या साड़ी का पल्लू या दुपट्टा या चद्दर या और कोई चीज़ या टाई का एंड, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करोगे तो वो अब्रेजिव होने की वजह से उसका कोटिंग निकल सकती है, चश्मे पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो ये सॉफ्ट क्लीन लिंट फ्री क्लॉथ ही आपको यूज़ करना चाहिए। हमेशा चश्मे को निकालते समय या डालते समय दोनों हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे एक इक्वल प्रेशर पड़ेगा और चश्मे में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अगर आप फ्रेम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप धो रहे हैं, उठा के रख रहे हैं यहाँ वहाँ पर, या आप उसको कैरी कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसके सेंटर वाले जो ब्रिज वाला हिस्सा है वहाँ से आपने पकड़ना चाहिए, इट इज़ रिकमेंडेड। चश्मे को कभी उठाकर आपके सर के ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यूजुअली फेस से ये हेड का पार्ट थोड़ा सा वाइड होता है, तो जिसकी वजह से चश्मा थोड़ा तिरछा हो सकता है या उसका अलाइनमेंट बिगड़ सकता है। ये नोज पीस को बार बार जोर से पुश नहीं करना चाहिए। अगर आपको चश्मा पीछे लेना है तो इस तरह से लीजिए, क्योंकि नोज पीस को आप पुश करते रहेंगे तो उसके जो नोज पैड्स है उसका सेटिंग बिगड़ जाएगा, फिर वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा, अंदर धंस जाएगा, जिसकी वजह से आपकी क्लैरिटी में फर्क पड़ेगा। कभी भी चश्मे को लेंसेज के बल पर नीचे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप उसको केस में भी रख रहे हैं, चश्मे के केस में, तो भी लेंसेज डाउन नहीं होना चाहिए, रिकमेंडेड ये है कि लेंसेज ऊपर होना चाहिए। चश्मे को उतार कर अगर आपने रख दिया है जेब में, अपने शर्ट के जेब में, तो फिर ये बात का ध्यान रखिए कि उसकी लेंसेज जो है वो किसी पेन से या फिर और कोई मेटालिक चीज़, अगर कॉइन्स आपके पास रखे हैं तो इस किसी के साथ में उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो स्क्रैचेस आ जाती हैं। और हमेशा ग्लासेस को सेफली स्टोर करना चाहिए चश्मे के घर में बेसिकली। साथ साथ ये भी देखना चाहिए लंबे समय के बाद में कि कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं चश्मे के फ्रेम की वजह से आपके स्किन पर। मेटालिक फ्रेम्स में हमारे पसीने के साथ में कॉन्टैक्ट रहने की वजह से उसकी कोटिंग निकलती है, और कई बार वो जो रॉ सरफेस होता है उसमें अगर निकल वगैरह यूज़ किया गया है मेटालिक फ्रेम्स में तो वो स्क्रीन पर दाग छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चों में एक और कारण ये भी है कि उनको मेटालिक फ्रेम्स यूज़ करने को डिस्करेज किया जाता है। तो अगर ऐसे कोई एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उसको तुरंत वो फ्रेम का यूज़ बंद कर देना है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। लेंस की क्लैरिटी टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। उसका एक बहुत आसान तरीका है, आपका चश्मा उतार कर किसी भी लाइट के अगेंस्ट आप देखिए कि आपकी लेंसेज क्लियर है या फिर वो लेंसेज के ऊपर कोई स्क्रैच तो नहीं आ गया है। अगर स्क्रैचेस आ गया है, लेंसेज खराब हो गए हैं, तो इसका मतलब ये टाइम सही है, आपको चश्मा बदल लेना चाहिए, लेंसेज बदल लेना चाहिए। एक फोर पॉइंट टच टेक्निक होती है फ्रेम के लिए, जिसमें आप चश्मे को उतार करके नीचे टेबल पर रख देते हैं, तो रखने के बाद में ये दोनों ये पार्ट्स फ्रेम के जहाँ पे लेंसेज होती है और ये जो टिप्स के जो टेम्पल टिप्स है वो सब एक साथ जमीन को या फिर आपके टेबल को एक साथ टच कर रहे हैं कि नहीं, फोर पॉइंट टच मिल रहा है कि नहीं, वो देखना चाहिए। अगर वो गड़बड़ है तो इसका मतलब आपका अलाइनमेंट कुछ गड़बड़ है, ऊपर नीचे हो गया है, और उसको आप ऑप्टिशियन से ठीक करवा सकते हैं। अगर फ्रेम में या फिर लेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो फिर आपने टाइमली उसको रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। अभी कोविड के समय हो सकता है बहुत से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं,
और हो सकता है कि आपका चश्मा बहुत पुराना हो गया होगा, पर ये सारे क्राइटेरिया पर आप अपने चश्मे को इवैल्यूएट कर लीजिए, देखिए कि आपको चेंज करने की जरूरत है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Dr. Suraj Vagde. That was a very good session. I think all of us here will benefit from this session, how to take care of your glasses, because nowadays people spend a huge amount on the glasses. So getting a new specs is, I would say, not less than 5,000 to 6,000. So your tips are definitely going to help all of us. I have an announcement for all our audience. Our management has approved the scheme, which is like you buy one frame and get the other frame free. And also with the other lenses, you get a 50% off. So please, audience, do not hesitate to get in touch with our ophthalmic department. They will guide you all properly. And we hope that this session by Dr. Sapna and Dr. Suraj has helped you in understanding how to take care of those precious jewels, your eyes. I thank everybody, and I would like to know if the audience has any questions. We would take the questions. I think we have sufficient time. Hare Krishna. Any questions from the audience? I don't think there are any questions, because I don't see anything in coming in the chat box. I would like to make one more announcement about our facility, that is the online video consultation. Considering the COVID pandemic and the anxiety that people have coming to the hospital, we have this video consultation facilities where most of our consultants are available. So people who are who want to take the advantage of this facility can definitely contact our hospital, and we will make the online video consultation available for them. But of course, for this ophthal checkup, we are sorry, but we will not be able to give the online video consultation. Dr. Suraj, would you like to add something to this offer, or... If I had known of this offer, I would have waited. अभी मैंने कुछ दिन पहले ही दो चश्मे बनवा। Same here. So I think the people who are watching us or even on Facebook and YouTube can spread the word and make people aware about this ongoing offer. This offer would be valid from 26th October to the 20th of November. So I think it's a quite a sufficient time for people to come and do their eye checkup and go for this offer. Since we don't have any questions, I think we can close the session. Thank you. Thank you once again, Dr. Suraj and Dr. Sapna. We look forward to one more session in November, because it's a Children's Day. So we are planning to have exclusively something for the school children. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, everyone. Thank you very much.